अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स पार्ट 3, अ वॉयज टू लापूटा, बालनीबार्बी, लगनैग, ग्लबडबड्रिब और जापान। इस वीडियो में हम गुलिवर्स ट्रेवल्स पार्ट 3 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। गुलिवर्स ट्रेवल्स पार्ट 1, अ वॉयज टू लिलीपुट, और गुलिवर्स ट्रेवल्स पार्ट 2, अ वॉयज टू ब्रॉबडिंग नैग की अगर आपने तफसीली कहानी आपने अगर देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं। तो अभी गुलिवर अपने दूसरे सफ़र यानी ब्रॉबडिंग नैग के सफ़र से घर वापस आया है और उसे 10 दिन ही गुजरे हैं कि एक जहाज़ होपवेल का कप्तान उसे पेशकश करता है कि वो 2 माह के लिए उसके जहाज़ के साथ बतौर सर्जन ईस्ट इंडीज़ का सफ़र करे। ये कैप्टन विलियम रॉबिनसन था जिसके साथ वो पहले भी समंदरी सफ़र कर चुका था और एक जहाज़ में काम कर चुका था। तो विलियम रॉबिनसन उसे 2 गुना तनख्वाह और जहाज़ के इंतजामी अमल में भी हिस्सेदार बनने पर तैयार था। गुलिवर ये पेशकश कबूल कर लेता है और उनका जहाज़ सफ़र पर रवाना होता है और रास्ते में मुख्तलिफ इलाकों में कप्तान अपना बिजनेस करता है और गुलिवर को भी एक कश्ती यानी स्लूप और 14 आदमी देकर करीबी जजीरों में भेजता ताकि वो भी इजाफी तौर पर बिजनेस कर सकें। उनकी कश्ती काफ़ी दूर चली जाती है और रास्ते में समंदरी डाकू उस पर कब्जा कर लेते हैं। गुलिवर को उनमें से किसी डच आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, वलंदेजी आदमी की यानी डच आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे वास्ता देता है कि चूंकि वो उसका हम मज़हब ईसाई है इसलिए उसे जाने दिया जाए, जबकि वो शख्स गुलिवर को कत्ल करना चाहता है। डाकुओं का एक जापानी साथी गुलिवर को कत्ल करने के हक में नहीं होता। इस पर गुलिवर वलंदेजी डाकू से कहता है कि एक ईसाई तो अपने दूसरे ईसाई भाई पर रहम नहीं करता और उसे कत्ल करना चाहता है, लेकिन एक ला मजहब जापानी को उस पर तरस आ गया है। तो डच डाकू यानी वलंदेजी डाकू उसकी ये बात सुनकर नाराज़ हो जाता है और बतौर सजा वो गुलिवर को एक छोटी सी कश्ती में बिठाकर 4 दिन की खुराक देकर खुले समंदर में छोड़ देता है। कुछ देर बाद गुलिवर को कुछ जजीरे नज़र आते हैं और उनमें से एक पर वो चला जाता है। वो साल पर अपना कैंप लगा लेता है और वहाँ की फ़जा अजीब सी महसूस होती है उसको। सूरज की रोशनी थोड़ी देर के लिए मध्यम पड़ जाती है, फिर अचानक उसे आसमान से एक जजीरा सा तैरता हुआ दिखाई देता है जिसके ऊपर काफ़ी लोग चल फिर रहे होते हैं। वो तैरते हुए उस जजीरे को देखकर हैरान रह जाता है और उसके ऊपर मौजूद लोगों को चिल्लाकर अपनी तरफ मतवज्जा करता है। वो अपना जजीरा थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और एक जंजीर नीचे लटकाकर गुलिवर को ऊपर खींच लेते हैं। तो अब इस हवा में मौलक जजीरे में गुलिवर पहुंच चुका है। तो इस जजीरे में वो इस जिस जजीरे में वो अब पहुंचा है, जो हवा में मौलक जजीरा है उसको लापूटा कहते हैं और जिस पर वो लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, वहाँ के लोग देखने में बहुत अजीब लगते हैं। गुलिवर कहता है कि उनके सर एक तरफ झुके होते हैं और दाएं को या बाएं को, और मुशाहिदा नफ्स यानी इंट्रोस्पेक्शन के लिए उनकी एक आंख अंदर की तरफ और एक बैरूनी दुनिया का जायज़ा लेने के लिए सीधी ऊपर की आसमान की तरफ देख रही होती है। उनके कपड़ों पर अजरामे फलकी, सूर्य चांद, सितारों और मौसीकी के साजों, सारंगी, बांसुरी, बरबत, बाजे, गिटार और इस तरह डबल बोर्ड कीबोर्ड वाला पियानो और इस तरह मजीद दूसरे बहुत से साजों की तस्वीर बनी होती हैं, कढ़ाई की होती हैं, जिनसे यूरोपी लोग नावाकफ़ होते हैं। तो उनमें से कुछ लोग दूसरों के मुलाजम हैं जिनके हाथ में एक फ्लैपर होता है, एक यानी फ्लैपर एक छड़ी जिसके आगे एक नरम सी गद्दी लगी होती है। तो उनका ये काम है कि जब उनके आका गुफ्तगू में मसरूफ़ हों तो सुनने वाले के कान पर और बोलने वाले के मुंह पर हल्की सी ज़र्ब लगाएं ताकि वो ख्यालात में कहीं और ना पहुंच जाए। तो अब गुलिवर को उनके बादशाह के पास ले जाया जाता है, जो कि एक मेज़ पर रियाजी के बहुत से सवालात हल करने की कोशिश कर रहा होता है और उस पर बहुत से सवालात मेज़ पर पड़े होते हैं और दूसरी तरफ वो बैठा होता है। बादशाह अपने ख्यालात में इस कदर खोया होता है कि उसे होश में लाने के लिए उन्हें 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है और वो भी जब फ्लैपर से उसे ज़र्ब लगाई जाती है। बादशाह उससे अजीब सी ज़ुबान में बात करता है। गुलिवर के कान पर भी एक फ्लैपर से ज़र्ब लगाई जाती है, हालांकि वो कह चुका होता है कि उसके साथ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। गुलिवर बादशाह को उन तमाम ज़बानों में जो वो जानता है मुखातिब करने की कोशिश करता है और बादशाह की बातों का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती। उसके बाद उसे एक कमरे में 4 मुमताज़ अफराद के साथ डिनर के लिए ले जाया जाता है।
गुलिवार उनके बारे में बताते हुए कहता है कि हमारे सामने तीन तीन डिशें दो बार पेश की जाती थीं, बकरे के गोश्त की रान होती थी और जिसे ज्योमेट्री की इक्विलेटरल जाविये की तरह काट कर पकाया होता है, गाय के गोश्त को रोम्बस की शक्ल में काटा जाता है और पडिंग यानी हलवे को दायरे की शक्ल में गोल बनाया जाता है, और दूसरी बार में जो खाना आता है उसमें दो बतखों को सारंगी की तरह गुच्छा सा बनाया होता है और रोल और पडिंग की शक्ल बांसुरी और हैट बॉयज एक किस्म का साज है उसकी तरह की शक्ल दी होती है, और बछड़े व्हील के एक सीने के गोश्त को बरबत हार्प की शक्ल में काट कर पकाया होता है। मुलाजमीन हमारे लिए जो डबल रोटी तैयार करते हैं काटते हैं वो कोन सिलेंडर मतवाजी अजला पैरालेलोग्राम्स और ज्योमेट्री की दूसरी कई अशकाल की तरह की होती हैं। तो अब गुलिवर को हदायत देने के लिए एक उस्ताद उस्ताद भेजा जाता है जो ज़्यादातर रियाजी और मौसीकी की इस्तेहालात इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो लोग रियाजी और मौसीकी की हर चीज़ को हर चीज़ से अफजल समझते हैं। गुलिवर को छोटे छोटे फिक्रे जो है सिखाए जाते हैं और गुलिवर उनको सीख लेता है, मसलन कुछ लेकर आओ, इधर मुड़ो, नीचे की तरफ झुको, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चलो, और इसके अलावा भी बहुत से फिक्रे गुलिवर सीख लेता है। एक दर्जी को भी बुलाया जाता है ताकि वो गुलिवर के नए कपड़े सी सके, और जब अभी वो कपड़ों का इंतज़ार कर ही रहा होता है तो बादशाह उसे तैरते हुए जजीरे के किसी दूसरी तरफ ले जाने का हुक्म देता है। तो उसे उस मुल्क के दारुल सल्तनत लगाडो के ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। रास्ते में गांव से भी वो गुजरते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और जहां से नीचे रस्से लटकाए जाते हैं जिनके साथ आवाम की दरख्वास्तें बांधकर ऊपर खींच ली जाती हैं, यानी ऊपर वाले जजीरे के नीचे भी कई सारे जजीरे हैं जिसमें एक जजीरा है जिसका नाम है लगाडो। तो लापूटा के लोगों को रियाजी ज्योमेट्री की थ्योरी और मौसीकी के साज बजाने से बहुत लगाव है, लेकिन वो अमली ज्योमेट्री से सख्त नफरत करते हैं क्योंकि वो उसे इतना फजूल समझते हैं कि उनकी पूरी कोशिश होती है कि जब कोई इमारत बनाई जाए तो उसमें कोई जाविया कायमा ना हो, यानी राइट एंगल होना ही नहीं चाहिए। उनकी ज़बान में तमाम तर इन्हीं दो चीज़ों यानी मौसीकी और ज्योमेट्री की इस्तेहालात बनाई, उनकी तमाम ज़िंदगी है जो इन्हीं ज्योमेट्री और मौसीकी की इस्तेहालात पर मबनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर वो किसी औरत या किसी चीज़ की खूबसूरती की तारीफ़ करना चाहें तो वो उसके लिए ज्योमेट्री के मुश्किल मुख्तलिफ अशकाल को सामने रख कर बयान करते हैं, मसलन रोम्बस, दायरे, पैरालेलोग्राम्स, बैजवी अशकाल यानी एलिप्सिज़म, और ज्योमेट्री की दीगर इस्तेहालात या मौसीकी से मुतल्लिका फ़नून लतीफ़ा के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो सियासत और अवामी मामूलात यानी पब्लिक अफेयर्स के बारे में भी अपनी राय देने में ज़रा देर नहीं लगाते, हालांकि उन्हें यूरोप के माहरीन रियाजी की तरह उन शोबों के बारे में कुछ पता नहीं होता। लापूटा के तमाम बशिंदे एक किस्म के खौफ में मुसलसल मुबतला रहते हैं, वो अजराम फलकी यानी सेलेस्टियल बॉडीज़ के हरकत करने की वजह से सख्त परेशान है, क्योंकि वो मसलन सूरज चूँकि मुसलसल ज़मीन की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, इसलिए एक ऐसा वक्त आएगा कि या तो ज़मीन सूरज में मदगम हो जाएगी या सूरज उसे निगल लेगा, या ज़मीन सूरज के इतने करीब चली जाएगी कि यह जलकर राख हो जाएगी, या किसी दिन खुद सूरज का ईंधन ख़त्म हो जाएगा और इस तरह वो हर वो चीज़ जिसका इनसार सूरज की रोशनी और हरारत पर है वो ख़त्म हो जाएगी। वो इन खदशात से इतने ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं कि रात को अपने बिस्तरों पर सुकून से सो भी नहीं सकते और ना ही वो ज़िंदगी में किसी खुशी और तफरी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वो सुबह को जब भी किसी वाकफ़ कार से मिलते हैं तो पहला सवाल यही होता है कि सूरज की सेहत कैसी है, वो तुलू होते हुए और गुरूब होते हुए कैसा लगता है, और ये कि शहाबे साकब जो टकराने वाले हैं उनसे बचने की कितनी उम्मीद है। औरतें जिन्हें इन तमाम मामूलात और सरगर्मियों से गाफल और दूर ही रखा जाता है उस जजीरे से फरार होकर ज़मीनी जजीरे यानी बालनी बारबी जो उससे नीचे एक जजीरा है, ज़मीनी जजीरा है, उसमें जाने की अक्सर कोशिशें करती रहती हैं। मर्दों के बरक्स उनमें बहुत ज़्यादा जिंदा दिली मौजूद है। वो खुद को नज़रअंदाज किए जाने पर अपने खावंदों को बुरा भला कहती हैं और उन अजनबियों की बेतहाशा शेदाई हैं जो बालनी बारबी जजीरे से किसी सरकारी या ज़ाती काम के सिलसिले में यहाँ आते रहते हैं, और इसीलिए वो जजीरे से भाग भी जाती हैं और नीचे बालनी बारबी के जजीरे पर जाकर शादी कर लेती हैं, और जबकि उनके खावंद अपने हर वक्त मुख्तलिफ किस्म के ख्यालों में खोए रहते हैं और उनकी बीवी और बेटियाँ इस सूरत हाल को कोसती हैं कि वो क्यों इस जजीरे की कैद में हैं।
वो घूम फिर कर दुनिया देखना चाहती हैं और तफरी की गर से दारुल सल्तनत देखना चाहती हैं, लेकिन उन्हें उसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसलिए उसके लिए उन्हें बादशाह से खसूसी इजाज़तनामा लेना पड़ता है। गुलिवर को मालूम होता है कि लपूटा के इस जजीरे की चौड़ाई 4.5 मील और मोटाई 300 गज और मुहित 3837 गज है और कुल रकबा 10,000 एकड़ है। हवा में तैरते हुए इस जजीरे का निचला हिस्सा जो कि नीचे वालों को नज़र आता है, सख्त पथरीला यानी एडामेंट की एक प्लेट पर मुश्तमिल है जो कि 2 गज की ऊंचाई तक चली जाती है और उसके ऊपर बहुत सी मादनियात अपनी कुदरती शक्ल में मौजूद हैं और उसके ऊपर 10 से 12 फुट तक धात की एक तह चढ़ी होती है। यहाँ की इंतज़ामिया इस जजीरे की हरकत को एक बहुत बड़े मकनातीसी पत्थर लोडस्टोन से कंट्रोल करती है। वो जब चाहें इसको ऊपर उठा लें, नीचे कर लें, सीधी लाइन में आगे की तरफ हरकत दे लें या पीछे की तरफ हरकत दे सकते हैं, लेकिन यह जजीरा नीचे वाली ज़मीन की हद से बाहर नहीं निकल सकता और ना ही ये 4 मील की ऊंचाई से ज़्यादा ऊपर जा सकता है। अगर लपूटा की इंतज़ामिया के तहत कोई जजीरा बगावत पर उतर आए या उसमें कोई पुरतशद्दद ग्रुप बन जाए या वो मामूल का टैक्स देना बंद कर दें तो बादशाह के पास उनको मती करने के 2 तरीके हैं। पहला और नरम तरीका तो ये है कि लपूटा को उस बागी जजीरे के आयन ऊपर साकन कर दिया जाए जिसकी वजह से उन तक सूरज की रोशनी और बारिश नहीं पहुंच सकती और वहाँ के लोगों को कहत और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर जुर्म इससे भी मज़ीद ज़्यादा सख्त हो तो लापूटा के जजीरे के लोग ऊपर से पत्थरों की बारिश करते हैं जिनकी वजह से नीचे वालों के पास कोई तोड़ नहीं है सवाए इसके कि वो तहखानों या गारों में छुप जाएं, लेकिन संग बारी से उनके घरों की छतें चकनाचूर हो सकती हैं। और अगर ये लोग फिर भी ना माने और बगावत में आगे बढ़ जाएं तो एक आखिरी अरबा ये है कि ये ऊपर वाला जजीरा सीधा उनके सरों पर गिरा दिया जाए जिससे उनके घर और सारे इंसान तबाह हो सकते हैं। गुलिवर का तीसरा समंदरी सफ़र बाकी समंदरी सफ़रों के बरक्स एक जगह की बजाय कई इलाकों में फैला होता है जिनमें बालनी बार्बी, ग्लब डब ड्रिब और लगनैग और जापान के जजीरे शामिल हैं। स्विफ्ट ने अपने चौथे सफ़र के बारे में लिखे जाने के बाद अपने तीसरे सफ़र के बारे में लिखा था कि इसमें अक्सर इशारे ऐसे मिलते हैं कि तीसरे सफ़र को पहले से किसी और सेटायर के बारे में लिखे गए नोट्स से तैयार किया गया है। तो ताहम ये हिस्सा मजमूई तौर पर इस नावल में बहुत अहम किरदार अदा करता है जबकि पहले दोनों सफ़र ज़्यादातर अखलाकियात, सियासत और इस तरह की चीज़ों और तंजिया बातों को जाहिर करते हैं। तीसरे सफ़र में उसका निशाना साइंस, इलम और एब्स्ट्रैक्ट यानी तजरीदी ख्यालात हैं और एनलाइटनमेंट के दौर में बहुत ज़्यादा अकलियत परस्ती और महज थ्योरी पर इंसार करने को वो शदीद तनकीद का निशाना बनाता है। और यहाँ पर लपूटा का जजीरा कलोनियलिज्म की भी एक मिसाल है कि जैसे कि यूरोप के लोग दूसरे मुल्कों को अपनी कॉलोनीज बना लेते थे और उन पर अपनी हुक्मरानी करते थे, तो अगर जो नहीं मानता था उनके साथ जंग करते थे, तो यानी उनके पास बड़े हरबे थे दूसरों को कंट्रोल करने के। तो यहाँ पर एक अम्पीरियलिज्म का यहाँ पर आंसर भी मिलता है कि लपूटा एक इम्पीरियलिस्ट जजीरा है जो दूसरों को अपने कंट्रोल में रखता है और दूसरों पर उसका कब्ज़ा है और उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। लपूटा का जजीरा लिलीपुट या ब्रॉबडिंग नेक से ज़्यादा पेचीदा है क्योंकि यहाँ का अजब पान लोगों के बड़े या छोटे साइज़ की वजह से नहीं बल्कि उनके कल्चर में थ्योरी को अमली काम पर तरजीह देने की वजह से है, यानी अमली काम तो करना ही नहीं, सिर्फ थ्योरी ही है। ताहम जिस तरह ताकत का इस्तेमाल लिलीपुट और ब्रॉबडिंग नेक में बहुत अहम था, इसी तरह ये लपूटा में भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ जिस्मानी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का हो रहा है। हुकूमत टेक्नोलॉजी के बाल बोते पर हवा में तैरते हुए जजीरे के जरिए नीचे वाले जजीरों पर अपना तसल्लत कायम किए हुए हैं। तैरता हुआ ये जजीरा एक ख़तरनाक हथियार भी है और एक इस्तारती अलामत भी है जो कि हुकूमत और आवाम में बहुत ज़्यादा दूरी को जाहिर करता है। लपूटा में गुलिवर महसूस करता है कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है क्योंकि वहाँ के लोगों को सिर्फ रियाजी और मौसीकी में ही दिलचस्पी है, वो ऐसे आलूम में बहुत आगे हैं और वो उनकी बातें सुन सुन कर बोर हो गया है और वहाँ से दूर जाना चाहता है। वहाँ के दरबार में एक लॉर्ड जो गुलिवर को ज़हीन और मुतजस्सिस शख्स लगता है, लेकिन लपूटा वाले उसे बेवकूफ़ समझते हैं क्योंकि उसे मौसीकी का ज़्यादा शौक़ नहीं। वो उस लॉर्ड से रब्ता करता है कि वो बादशाह से दरख्वास्त करे कि वो गुलिवर को यह जजीरा छोड़ने की इजाज़त दे दे। उसकी दरख्वास्त मान ली जाती है और उस जजीरे से लगाडो के पहाड़ों पर उसे उतार दिया जाता है। इस जजीरे में उसकी मुलाकात एक और लॉर्ड जिसका नाम
मोनोडू मोनूडी मोनूडी होता है उससे होती है वो, और वो उसे वहाँ और उसे वो अपने यहाँ ठहरने की दावा देता है, यानी मोनूडी उसे अपने यहाँ लगाडो के जजीरे पर ठहरने की दावा देता है। अब गुलिवर लापूटा के जजीरे से लगाडो के जजीरे पर मोनूडी के पास आ गया है। गुलिवर और मोनूडी एक करीबी जजीरे में जाते हैं जहाँ लोगों ने घटिया कपड़े पहन रखे होते हैं और बदसूरत घरों में रहते हैं। ज़मीन की काश्त बहुत बुरे अंदाज में की होती है और लोगों की हालत भी बहुत बुरी होती है। उसके अलावा मोनूडी के दही घर की तरफ वो जाते हैं जहाँ पहले तो वो कुछ बंजर खेत उनको नज़र आते हैं और उसके बाद सरसब्ज इलाका शुरू हो जाता है जो कि मोनूडी बताता है कि उसकी मलकियत है। वो बताता है कि दूसरे लॉर्ड्स लॉर्ड्स जो हैं वो उस पर तनकीद करते हैं कि उसका ज़रई इलाका शदीद बद इंतज़ामी का शिकार है। मोनूडी तफसील से ये बताता है कि 40 साल पहले यहाँ से कुछ लोग ऊपर लपूटा गए और अपने साथ रियाजी और फ़नून लतीफ़ा के बारे में नए नज़रियात लेकर वापस आए। उन्होंने लगाडो में एक एकेडमी बनाने का इरादा किया ताकि यहाँ ज़रात और फन तमीर पर नई थ्योरियों की अफजाइश की जा सके और यहाँ के लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मंसूबे शुरू किए जा सके। ताहम इन थ्योरियों से अभी तक कुछ हासिल नहीं हो सका और नए तौर तरीकों ने इस जजीरे को तबाह बर्बाद करके रख लिया है। वो गुलीवर को इस एकेडमी में ले जाने की बात करता है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि एक वक्त था जब गुलीवर खुद भी इस तरह के मंसूबों में दिलचस्पी लेता था। जब गुलीवर एकेडमी में जाता है तो वो ये देखकर सख्त हैरान रह जाता है कि यहाँ बहुत से लोग अजीब और नाकाबिले अमल तजर्बों में मसरूफ़ हैं। एक आदमी से मिलता है जो खीरों से सूरज की शुआएं हासिल करने के मंसूबे में मसरूफ़ है। ये वहाँ एक ऐसा साइंसदान भी है जो इंसानी फजले को दोबारा असल खुराक में बदलने के तजर्बात कर रहा है, और एक और आदमी है जो वो बर्फ़ से बारूद बनाने के चक्कर में है और आग को हथौड़े मार मार कर फैलाने के इम्कान पर एक मकाला लिख रहा है कि ताकि इसे शाया कराया जा सके, और एक माहिर तामीर इमारतों को छत से ज़मीन की तरफ तामीर करने के तजर्बों में मसरूफ़ है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। एक जगह एक अंधा उस्ताद अपने अंधे शागिर्दों को यह सिखा रहा है कि पेंट करने के लिए रंगों को छू कर और सूंघ कर कैसे पहचाना जाता है। एक माहिर ज़रात ऐसा कोई तरीका सोच रहा है कि ज़मीन की खुदाई बैलों की बजाय सूअरों से कराई जा सके और इस तरह के पहले ज़मीन खोद कर उसमें से सूअरों की खुराक खोद कर उसमें सुअरों की खुराक दबा दी जाए और फिर सुअरों को खुला छोड़ दिया जाए जो ज़मीन को खोद कर खुराक बाहर निकालें और इस तरह ज़मीन काबिल काश्त हो जाए और खुद ही खुद जाए, यानी हल चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक कमरे में एक डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज इस तरह करने का तजर्बा कर रहा है कि फूंक मारी जाए और हवा मरीज़ के जिस्म के आर पार हो जाए। एक और शख्स है जो मरे हुए कुत्ते में जान डालने की कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आता है। अकेडमी में दूसरी तरफ कुछ लोग क्यासी तालीम में मसरूफ़ हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में। एक प्रोफेसर तुलबा की भरी हुई एक क्लास को एक मशीन के ज़रिए पढ़ा रहा है। ये मशीन कहीं कहीं की ईंट, कहीं का जो है वो दरवाज़ा और कहीं का दराड़ और इस तरह की बेतरतीबी से बनाई गई है। अल्फाज को इस तरह बेतरतीबी से वो मशीन बयान कर रही है कि जो कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती। ये प्रोफेसर दावा करता है कि इस मशीन के ज़रिए कोई भी शख्स फ़लसफे और सियासियात पर किताब लिख सकता है। एक और कमरे में एक माहिर लिसानियात वहाँ बोली जाने वाली ज़बानों में से सवाए नाउन्स के बाकी तमाम अल्फाज खारिज करने की कोशिश कर रहा है ताकि ज़बान को बेहतर बनाया जाए और सिर्फ ज़बान के अंदर सिर्फ नाउन्स ही बाकी बचें। उसके ख्याल में इस तरह करने से उनसे ज़बान कुछ मुख्तसर तो होगी लेकिन ज़्यादा देर तक चलेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फाज बोले जाएं उतना ही ज़्यादा वो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। ये वो समझता है क्योंकि नाउन्स चीज़ों के नाम होते हैं, इसलिए बोलने से बेहतर है कि बंदा वो चीज़ उठाकर ही फिरता रहे, यानी बोलना ही नहीं चाहिए। एक और प्रोफेसर अपने शागिर्दों को पापड़ों पर लिखे हुए रियाजी के फार्मूले खिलाकर रियाजी सिखाना चाहता है। तो इस तरह के तजर्बात वो लेबॉरेटरी के अंदर, वो अकेडमी के अंदर देखते हैं। लगाडो में ऐसे अहकामाना तजर्बात का जिक्र करके स्विफ्ट अकेडमियों का मजाक उड़ाता है। स्विफ्ट को ऐसे तजर्बात का जिक्र करने का ख्याल इंग्लैंड के एक साइंसी इदारे जिसका नाम रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है, जिसकी बुनियाद 1660 में रखी गई थी, के उस अदारे के तजर्बात के बारे में सुनकर आया। तो हालांकि इस अदारे ने यूरोप में साइंस की तरक्की में अहम किरदार अदा किया था, मशहूर साइंसदान रिबर्ट हुक और रॉबर्ट बॉयल
यानी बॉयल जला वाला रॉबर्ट बॉयल और आइजक न्यूटन इसी सोसाइटी के मेंबर थे। ये सब खसूसा न्यूटन साइंसी थ्योरियों का मौसर अंदाज में पेश करने का माहिर था, जो कि बाद में साइंसी इनकलाब का पेशकामा बनी। रॉयल सोसाइटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो सनत व हरफत की तरक्की के लिए नई साइंसी टेक्निक्स ढूंढें, लेकिन ये इस मैदान में ज़्यादातर कामयाब ना हुए। अलबत्त मज़ाहरे कुदरत के बारे में दरियाफ्तों में उन्होंने काफ़ी तरक्की कर ली, जिसके नतीजे में रॉयल सोसाइटी पर तनकीद होने लगी। और स्विफ्ट ने तो अपने इस नावल में ऐसी अकेडमियों का खूब मजाक उड़ाया है, जिसमें गायब दिमाग फलसफियों ने लोगों को ज़बरदस्ती अपने फजूल और बेकार तरीके इस्तेमाल करने पर मजबूर करके मुल्क को तबाह करके रख दिया है। मज़े की बात यह है कि जब यह नावल लिखा जा रहा था, उन दिनों उनमें से कुछ या उनमें से मिलते जुलते कुछ तजर्बात रॉयल सोसाइटी ने वाकई या तो तजवीज़ किए थे या बाकायदा तौर पर शुरू किए हुए थे। उसके बाद गुलिवर उन प्रोफेसरों को मिलने जाता है जो हुकूमत के मसाइल के बारे में सोचो बचार कर रहे होते हैं। एक प्रोफेसर का ख्याल है कि औरतों को उनकी खूबसूरती और कपड़े पहनने की महारत के मुताबिक टैक्स अदा करना चाहिए, और दूसरा प्रोफेसर कहता है कि अगर हुकूमत के खिलाफ साजिश का पता चलाना हो तो आवाम के फजले का बगौर जायज़ा लिया जाना चाहिए। और गुलिवर इस अकेडमी के लोगों से बहुत ज़्यादा बेजार हो जाता है और उसके दिल में वापस इंग्लैंड जाने की ख्वाहिश सर उठाने लगती है। गुलिवर एक जजीरे लगनैग जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त इधर जाने के लिए कोई जहाज़ मौजूद नहीं, क्योंकि जहाज़ 1 माह बाद आने का इम्कान है। इसलिए उसे मशवरा दिया जाता है कि एक और जजीरे गलाब डाब ड्रीब जाए, जहाँ जादूगर रहते हैं। तो वो फिर गुलिवर वहाँ चला जाता है, और गुलिवर वहाँ जाकर उसके गवर्नर से मुलाकात करता है। तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी खिदमत पर हाजिर जो खद्दाम हैं वो कभी नज़र आते हैं और कभी रूहों की तरह गायब हो जाते हैं। गवर्नर उसे कहता है कि गुलिवर माजी के जिस भी मुर्दा शख्स के बारे में कहेगा वो उसकी रूह को हाजिर कर देगा। गुलिवर सिकंदर आजम का इंतखाब करता है, जिसकी रूह हाजिर होकर ये यकीन दहानी कराती है कि वो जहर से नहीं बल्कि ज़्यादा शराब नोशी से मरा था। फिर ये कर्ताजना के जर्नैल हैनिबल और कैसरे रूम और कदीम रूमी हुक्मरान पोम्पे और मशहूर रूमी सेनेटर ब्रूटस का नज़ारा भी करता है। तो वो उसे कहता है कि उनकी रूहों को बुलाओ, तो वो गवर्नर उनकी रूहों को हाज़िर करके उससे उनकी गुलिवर से मुलाकात करवाता है। एक दिन गुलिवर हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद का नज़ारा करने का शर्फ हासिल करता है। उनमें होमर, अरस्तु सर फहरस्त होते हैं। वो फ्रांसीसी फलसफियों यानी पैरी और रेन डेस्कार्टस और पैरी गैसेंडी से कहता है कि वो अपने अपने निज़ाम की तफसील अरस्तु को बयान करें, और अरस्तु खुले दिल से अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहता है कि कुदरत का निज़ाम हर दौर में बदलता रहता है। ग्लब डब ड्रिब से गुलिवर लगनैग चला जाता है, जहाँ उसकी वतन वापसी की ख्वाहिश के बावजूद उसे पाबंद कर दिया जाता है। उसे हुक्म दिया जाता है कि वो शाही दरबार में चला जाए, उसे वहाँ रिहाइश और ख़र्चा भी दिया जाता है। उसे वहाँ जाकर मालूम होता है कि आवाम अगर बादशाह से मिलने के लिए आए तो उन्हें बादशाह के सामने फ़र्श पर चाटना पड़ता है, और अगर बादशाह ने किसी शख्स से जान छुड़वानी हो तो वो शख्स को वो तो बादशाह फर्श को जहरीला करा देता है ताकि उसका दुश्मन फर्श चाट कर मर जाए। तो लगनैक के लोगों से गुलीवर को मालूम होता है कि यहाँ लाफानी लोग भी रहते हैं, सटरल्ड ब्रग लोगों में पैदा होने वाले ऐसे बच्चे के माथे पर सुरख निशान होता है, वो लाफानी होता है यानी जिसके माथे पे सुरख निशान हो, तो उसको सटरल्ड ब्रग कहता है। ये बात सुनकर गुलीवर के दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर वो लाफानी बन जाए तो क्या कुछ करेगा, वो खूब दौलत और इल्म हासिल करेगा। लेकिन उसके तसव्वुरात के बरक्स, जब उसे बताया जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद इस तरह के लोग उदास और मायूस होने लगते हैं, और 80 साल की उम्र में वो प्यार और शफकत सब कुछ भूल जाते हैं, और मर कर इस दुनिया को छोड़ने वालों को वो हसरत भरी निगाहों से देखते हैं कि वो तो जान छुड़ा के हमें मौत क्यों नहीं आ रही। जब दो शादीशुदा सटरल्ड ब्रग्स
में से कोई कोई 80 साल का हो जाता है तो उनकी शादी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनके ख्याल में जिन लोगों को बग़ैर किसी कसूर के इस दुनिया में हमेशा रहने की सज़ा मिली हो, उन्हें अपनी बीवी साथ रख कर उनकी मुसीबतों को दुगना नहीं करना चाहिए। वो उनमें से कुछ लाफानी लोगों को मिलता है और देखता है कि ये लोग नाखुश और नाखुशगवार हैं, और गुलिवर अपनी लाफानी बनने की ख्वाहिश से तोबा कर लेता है। गुलिवर को लगनैग में मुलाजमत की पेशकश की जाती है, लेकिन वो इनकार कर देता है और वहाँ से निकलकर वो बिल्कुल ठीक ठाक बखैर आफियत जापान पहुँच जाता है। वहाँ से वो खुद को हॉलैंड का शहरी जाहिर करके एक डच यानी वलंदेजी जहाज़ में सवार हो जाता है और एम्स्टर्डम से जहाज़ चलकर इंग्लैंड पहुँच जाता है, जहाँ उसे अपनी फैमिली अच्छी हालत में मिलती है और दोबारा अपने घर पहुंच जाता है। तो इस तरह गुलीवर का ये तीसरा सफ़र, जो कि कई सारे जज़ीरों की सैर पर मुश्तमिल है, इस तरह वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गुलीवर्स ट्रेवल्स पार्ट 4 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दी गई हैं और उनके लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।